राजस्थान में रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के नज़दीक पहुंच गए, जिन्हें खदेड़ते हुए पुलिस ने एक दर्जन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही रीट लेवल वन में योग्य घोषित किया था, लेकिन इस फैसले के बाद अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीएड धारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही, जिसके बाद से ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने गजेंद्र सिंह और बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तैयारी की थी, लेकिन बड़ी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा, बल्कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीएसटीसी अभ्यर्थी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता से पैरवी करवा सके। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।